हेलो सिमर्स, देखिए आज हम लोग फ्लिपटर्न के बारे में सीखेंगे। बहुत लोगों का कमेंट था कि सर फ्लिपटर्न के लिए एक वीडियो बनाइए, एक सीरीज इसका स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए आज फ्लिपटर्न का हम लोग बेसिक देखेंगे, लोग गलती क्या करते हैं एंड इसकी शुरुआत किस तरह करनी है, कौन कौन सी ड्रिल्स आपको करनी है एंड देन उसके बाद जो इसके बाद का पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर फ्लिपटर्न को किस तरह अपने स्ट्रोक में इंक्लूड करना है। तो देखिए फ्लिपटर्न एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग वॉल को बिना टच किए, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहीं से ही फ्लिप करके एंड अपने स्ट्रोक को कंटिन्यू, मतलब अपने स्विमिंग को कंटिन्यू करूँगा। मुझे इतनी डिस्टेंस को और आगे नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग को क्या होता है कि ये लगभग 1 या 1.5 मीटर हम लोग को, 1 मीटर, हाँ लगभग 1 या 1.5 मीटर के अराउंड हम लोग डिस्टेंस अपनी बचा लेते हैं एंड यहीं से फ्लिप टर्न करके अपनी स्विमिंग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो ये इसकी टेक्निक जो होती है वो बेसिकली होती है कि जो कॉम्पिटिटिव स्विमर हैं वो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कॉम्पिटिशन में वो लोग आते हैं बिना बॉल को अपने हाथ से टच किए यहीं पर, यहाँ पर फ्लिप करके सीधे अपनी स्विमिंग को कंटिन्यू करते हैं एंड ये सबसे फास्ट तरीका होता है। ये फ्लिप टर्न जो होती है इसमें हम लोग को क्या करना जाता है, यहाँ से फ्लिप करके अपने दोनों पैर को एकदम परफेक्टली बॉल पे लैंड कराना होता है एंड लैंड कराने के साथ पुश करके तुरंत हम लोग को पानी के अंदर अपनी डॉल्फिन करते हुए निकलना रहता है एंड स्विमिंग करनी रहती है। तो इसकी जो पहली ड्रिल होती है, क्योंकि इसको इसकी शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि वो लोग रोल ही नहीं कर पाते हैं, मतलब वो लोग जब रोल करते हैं तो उनका बॉडी कुछ इस तरह होती है। वो कुछ इस तरह रोल होती है बॉडी, मतलब वो आगे मूव ही नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे शिवराज की भी ये दिक्कत है, अभी शिवराज की भी वीडियो में दिखाऊंगा तो आप लोग देखेंगे शिवराज किस तरह करता है। तो देखिए उसका जो बेसिक जो ड्रिल होती है जिससे मैंने सीखा था वो ये है कि मैं क्या करता था, मैं किक करता था। मैं क्या करना रहता है कि जब आप किक कर रहे हो और जब आपकी स्पीड काफ़ी ठीक ठाक हो, मतलब स्पीड अच्छी खासी हो और बॉडी स्टेबल हो, तो अपने दोनों हाथ तो पीछे की ओर कस के पुल करना है, पीछे की ओर काफ़ी कस के पुल करना है, एकदम नॉर्मली ऐसे नहीं खींचना है, ठीक। पानी को इस तरह पूरी पावर के साथ खींचना है एंड अपने हेड को अपने लेग की तरफ देखते हुए आगे की ओर घूमना है, अपने लेग के मतलब जो आपकी पैर की उंगली है उसको देखने की कोशिश करना है, देखते हुए आगे रोल करना है। तो वो कुछ इस तरह होता है, जो मैंने किया था वो कुछ इस तरह था। ये आपने देखा, ये इस तरह मैंने किया था, ये तो काफ़ी परफेक्ट हो गया है। वैसे पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ पहली बार में किस तरह होगा, पहली बार में कुछ इस तरह होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की गलत, तो देखते हैं। तो पहली बार में यही ये दिक्कत आती है मेन, तो उसको सही किस तरह करना है, आप लोगों को क्या करना है, जो कमर वाली बॉडी है, मतलब कमर, ये जो कमर है इसको अंदर की ओर खींचना है। जब आप रोल करने वाले हो तो अपने घुटने को अपने पास अंदर की ओर खींचिए एंड अपनी नज़रें अपने लेग की तरफ देखते हुए उसको रोल करिए, मतलब जो बेसिक है वो ये है। मतलब एकदम एक बॉल टाइप का बन के आपको रोल करना है। एक ड्रिल होती है किक पैड के साथ, ये किक पैड वाली जो ड्रिल है ये आप लोग में से काफ़ी लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको अपर बॉडी में थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। इसको इस तरह पकड़ना है किक बोर्ड को, हमेशा हम लोग इस तरह पकड़ते हैं लेकिन इसमें इस तरह किक बोर्ड पकड़ना है एंड सेम किक करते हुए आना है एंड इसको जिस तरह उसमें दोनों हाथ हम लोग क्या करते थे, दोनों हाथ पुल करते थे तो उसमें ईजी होता था थोड़ा सा, इसमें क्या होता है दोनों हाथ इस पर फंसाना है एंड इसको अंदर की ओर खींचना है, काफ़ी काफ़ी पावर से इसको अंदर की ओर खींच के अपने स्टमक पे टच कराना है एंड वही सेम चीज़ आगे देख अपने पैर को देखने की कोशिश करनी है एंड रोल करना है। वो टोटली इस तरह होता है। इसमें आप किक की पावर भी थोड़ा कम रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक। तो वो इस तरह होता है। तो इस तरह करेंगे तो हो जाएगा, हालांकि इसमें थोड़ा सा आप लोग को
थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि जब आप इसको रोल करके अंदर खींचने वाले होंगे तो ये आपकी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेगा, और जब ऊपर की ओर फेंकेगा तो बॉडी थोड़ा डिसबैलेंस होने की चांसेस हैं। तो ये दो ड्रिल होती है, एक ड्रिल और होती है, आप ये ट्राई कर सकते हैं कि पैर को इसमें फंसाना है और इसमें किक नहीं करना है, इसमें इससे पुश करना है, काफ़ी हार्ड पुश करना है, एंड सेम चीज इसको अंदर की ओर खींचते हुए आगे रोल करना है, वो ड्रिल ये होती है। ये जो दो या तीन जो ये जो तीन ड्रिल मैंने बताई, इस तीन ड्रिल को आप लोग बार बार करिएगा। ये वाली ड्रिल सबसे ईजी है कि यहाँ से धक्का दे के सीधे रोल ही करना है, रोल, ठीक। ठीक है, इस तरह आप लोग करेंगे। और तीनों ड्रिल में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि जब भी आप रोल कर रहे हो तो नोज से एक्सहेल स्टार्ट कर देंगे, ठीक। जब ये तीनों ड्रिल हो जाए तो फाइनल जो ड्रिल होती है वो हम लोग वॉल के साथ करते हैं, ठीक है। वॉल के साथ किस तरह करना है, जो पहली ड्रिल थी किकिंग करते हुए किकिंग करके रोल करना है, वो सेम चीज़ आप लोग इसमें इस वॉल के साथ करेंगे। उसमें दोनों हाथ को इस तरह टच करना है और किक करनी है खूब फास्ट, और जब आपको लगे किक अप ठीक हो रही है तो दोनों हाथ को पीछे की ओर पुल करना है एंड आगे की ओर रोल करना है। तो इस तरह आप लोग पहले ये सारी प्रैक्टिस काफ़ी बार करिएगा, ठीक। ये चारों ड्रिल मतलब तीन ड्रिल जो मैंने किक पैड से दो ड्रिल बताई, एक नॉर्मल ड्रिल और ये फाइनल वाली जो है वॉल के साथ वाली ड्रिल, इसकी प्रैक्टिस काफ़ी करिएगा, ठीक। जब पैर यहाँ पे लैंड होने लगे देन इसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है, बॉडी को रोटेट करके सीधे करना रहता है एंड पुश करना रहता है, ठीक। तो वो जो टेक्निक है वो मैं सेकेंड पार्ट में बताऊँगा, फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी ये आप लोग का पहला पार्ट है तो इसमें आप लोग को बेसिक ड्रिल्स जो है इसको अच्छे से कर लेना है। जब ये अच्छे से आपकी हो जाएगी देन मैं उसमें ये वाला जो बॉडी जैसे टर्न करने के बाद बॉडी सीधे करके किस तरह मैं जाता हूँ वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय। एंड इस चीज़ को ट्राई जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा।